कुमार मौर्य। बहुत दिनों से मेरे पास लोगों की एक समस्या आ रही थी कि डाइल्यूशन क्या है, पोटेंसी क्या है। कुछ लोग डाइल्यूशन को ही पोटेंसी मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि D3 के बाद में पोटेंसी बनती है। इस तरीके से बहुत सारे लोग इस विषय पर कंफ्यूज हैं। तो मेरे मन में आया कि आज क्यों ना डाइल्यूशन और पोटेंसी पर बात की जाए। कुछ लोग तो डाइल्यूशन और पोटेंसी मानते ही नहीं, इस्तेमाल उसका करते हैं। वो इस बात को समझते नहीं कि डाइल्यूशन और पोटेंसी कोई चीज़ होती है, और दूसरों को भी यही समझाते हैं। इसलिए आवश्यक हुआ कि इस विषय पर बात की जाए। देखिए, डाइल्यूशन एक संज्ञा है, एक नाम है। जैसे ये हमारे पास में C4 का डाइल्यूशन है और इसको D3 में D4 में बनाया गया है। तो जो आप देख रहे हैं, ये जो लिक्विड इसके अंदर भरा है, ये जो देख रहे हैं, ये डाइल्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर आपको लिक्विड दिख रहा। और इसकी पोटेंसी आपको नहीं दिखती। क्यों? पोटेंसी एक शक्ति होती है, एक ताकत होती है, वो नहीं दिखती है। ये ताकत, ये पोटेंसी, ये शक्ति केवल अनुभव की जा सकती है, देखी नहीं जा सकती। लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड भरा है, उसको आप देख रहे हैं। मैं हिला रहा हूँ, टपका रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति देखी नहीं जा सकती। इसलिए जो इसकी ताकत है, इसकी शक्ति है, पावर है, उसको आप नहीं देख सकते। उसको कैसे कर सकते हैं? जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको आभास कर सकते हैं। मान लीजिए D4 की ये मेडिसिन है, तो D4 इसकी ताकत है, D4 इसकी ताकत है। लेकिन D4 है क्या? ये डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन का मतलब होता है नाम। जैसे आप किसी होम्योपैथिक दुकान पर दवा लेने जाते हैं, कोई दवा खरीदते हैं, तो उसमें लिखा होता है 200 CH, ये उसकी पोटेंसी लिखी होती है। ऊपर लिखा होता है होम्योपैथिक डाइल्यूशन। आप क्या खरीद रहे हैं? क्या देख करके खरीद रहे हैं? आप ये देख करके खरीद रहे हैं कि ये डाइल्यूशन भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ। आप जब कोई शीशी खरीदते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रो की हो, चाहे होम्योपैथिक की हो, तो जब शीशी खरीदते हैं तो ये देखते हैं कि ये भरा हुआ कि नहीं भरा हुआ, इसमें डाइल्यूशन भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। ऊपर पोटेंसी लिखी होती है, उसको आप चेक नहीं कर सकते किसी भी तरीके से कि इसमें 200 नंबर की दवा या D4 की दवा भरी हुई है या नहीं भरी हुई है। खाली एल्कोहल या डिस्टिल वाटर ही तो नहीं भरा हुआ है, यह आप पता नहीं लगा सकते। लेकिन ये पता कर सकते हैं कि डाइल्यूशन कि शीशी में डाइल्यूशन भरा हुआ है। ये जो मैं शीशी खरीद रहा हूँ, इसमें डाइल्यूशन भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये नहीं पता कर सकते हैं
कि इसमें किस नंबर की दवा भरी है, मैन्युफैक्चरर ने जो नंबर लिख दिया वही नंबर आप मान लेते हैं। तो ये जो नंबर लिखे होते हैं ये पोटेंसी होती है, लेकिन जो शीशी में भरा होता है वो डाइल्यूशन होता है। हमारी समझ से अब आपकी बात समझ में आ गई। इसके अंदर जो डिस्टिल्ड वाटर भरा हुआ है ये डाइल्यूशन है, लेकिन इसके ऊपर जो पोटेंसी लिखी हुई है D4 की, ये इसकी ताकत है, इसकी एनर्जी है, इसकी फोर्स है, इसको आप देख नहीं सकते। मैं जो लिख करके दे दूंगा, कंपनी जो लिख करके दे देगी वही आप मान लेते हैं। इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि हम इसको चेक कर सकें। तो ये डिस्टिल्ड वाटर, ये डाइल्यूशन और पोटेंसी में अंतर होता है। हमारी समझ से अब आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि पोटेंसी क्या होती है, डाइल्यूशन क्या होता है।